नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। अगर मैं बात करता हूं, करीबन 3% का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। 906 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। वहीं 3 आवर चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, डाउनफॉल स्टॉक में अभी भी जारी है। अगर यही गिरावट जारी रहती है, नीचे की तरफ 850 रुपीज़ का सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। इस सपोर्ट का खासा ध्यान रखना है। अगर इस सपोर्ट को भी स्टॉक ब्रेक कर जाता है तो देखिए 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर रिकवरी बनती है, एक बाउंस बैक अगर देखने को मिलता है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में टारगेट अचीव होंगे। 950, 975, यहाँ तक कि 1000 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी अचीव करता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है। क्या करना है देखिए, आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक अभी भी शामिल है, होल्ड रखें, अभी सेल ना करें। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल है 996 रुपीज़ का। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता, कोई भी बाइंग का मौका यहाँ पर नहीं बनता है। तो केवल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं। जैसे ही बाइंग का शानदार मौका बनता है, हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है टाटा केमिकल्स में। सपोर्ट्स का ध्यान रखना है, स्टॉप लॉसेस लगाकर चल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।